हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होपफुली यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे दो इंटीजर्स को आप ऐड कर सकते हैं और उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है वो डेल सी प्लस प्लस प्रोग्राम को मैं ओपन कर रहा हूँ और न्यू फाइल ओपन कर रहा हूँ और सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करूँगा। आयो स्ट्रीम स्ट्रीम हेडर फाइल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होती है, जैसे कि सी आउट या सी इन वगैरह के लिए जो फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे उसके मुतालिक जो है वो काफी सारा कोड जो है वो इन हेडर फाइल्स में पहले से लिखा होता है और जस्ट आपने इंक्लूड करना होता है। और सेकेंड लाइन आपकी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी होती है और सेमी कॉलम के साथ जो है वो एंड करना है आपने। ये स्टैंडर्ड जो है वो नेम स्पेस है और इसके बाद आपने मेन फंक्शन जो है वो ऐड करना है और कर्ली ब्रेसेस आफ्टर दैट। इन कर्ली ब्रेसेस में हम जो है वो दो इंटीजर्स को पहले डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने का मेथड ये होता है कि आप जो है इंट जो कीवर्ड है उसको लिखेंगे और दो वेरिएबल आप लेंगे, एक एक्स के नाम से और दूसरा वाई के नाम से। इन दोनों में जो है वो कॉमा के साथ आपने सेपरेशन कर देनी है और एक थर्ड वेरिएबल भी चाहिए जो जी के नाम से ले रहा हूँ। इन वेरिएबल का मकसद ये होता है कि ये मेमोरी में डाटा के लिए जगह जो है वो रिजर्व करते हैं और जो भी वैल्यूज इनको असाइन होती हैं वो मेमोरी में जहां पे भी एक्स वाई और जी की जगह होती है वहां पे जाके मेमोरी में डाटा जो है इनके अगेंस्ट जो है वो राइट हो जाता है। सिंपल ये कहें कि ये जो तीनों वेरिएबल्स एक्स वाई जी या इसी तरह और भी जो भी वेरिएबल्स आप जो है आने वाली वीडियोज में भी आप डिक्लेयर करते हैं उनका मकसद ये होता है कि कंपाइलर जो है मेमोरी में जो रैम है आपकी उसमें जो है वो जगह एलोकेट करता है ताकि इन वेरिएबल्स को आप वैल्यू असाइन कर सकें। इसके बाद जो है जब आप डिक्लेरेशन कर लेती हैं तो सेमी कॉलन के साथ एंड करती हैं और एक्स की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 5 और इसको भी सेमी कॉलन से एंड करना है आपने। वाई सेकेंड वेरिएबल है इसको मैं एलोकेट कर रहा हूँ 10 और ये भी सेमी कॉलन के साथ एंड किया। इसके बाद जो है वो मुझे जी में रिजल्ट चाहिए, जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अगर मैं कर दूंगा और सेमीकोलन के साथ एंड कर दूंगा तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है 5 प्लस 10 ये होके रिजल्ट जो है वो जी में स्टोर हो जाएगा। ये अभी जस्ट मेमोरी में स्टोर हुआ है, जी जो वेरिएबल है उसमें अब जो वैल्यू है वो 15 हो गई है। अब इसको जो वैल्यू है जी की वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो जितना भी आउटपुट पे अगर स्क्रीन पे आपने जो है वो रिजल्ट कोई शो करवाना हो तो उसके लिए सी आउट स्टेटमेंट आप यूज करते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले सी आउट करवा रहा हूं मैं एक्स की वैल्यू को और इसके बाद फिर सेमी कॉलन और सी आउट जो है अब ये सिंपल एक्स लिख रहा हूं यहां पे। इन दोनों स्टेटमेंट का मैं आपको पर्पस समझा देता हूं कि ये जो पहली सी आउट जो है डबल कोट्स में एक्स लिखा है इसका मकसद ये होता है कि आप डबल कोट्स में जो भी मेंशन कर देंगे जो भी लिख देंगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। इसमें चाहे आप जो है यहाँ पे सिंपल एक्स की बजाय आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स तो वो वैल्यू ऑफ एक्स के नाम से जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट। ये आपकी मर्जी है, जो भी डबल कोट्स में आप दे देंगे वो एज इट इज शो हो जाएगा। इसको मैं स्मॉल एक्स ही कर देता हूं क्योंकि स्मॉल एक्स वेरिएबल के तौर पे लिया है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें ये देखें डबल कोट्स के बगैर एक्स है। पहले वाले जो स्टेटमेंट है उसमें डबल कोट्स में एज इट इज वैल्यू शो होगी जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें अब जो है ये x शो नहीं होगा बल्कि x की वैल्यू जो x में वैल्यू स्टोर है वो डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे। और x में वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 5 है तो 5 डिस्प्ले होगा। यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट x है वो जस्ट एज इट इज x डिस्प्ले होगा स्क्रीन पे और उसके बाद जो है 5 डिस्प्ले होगा जो कि x की वैल्यू है। तो होपफुली ये आप जो दोनों स्टेटमेंट है इनका डिफरेंस आपको पता चल गया हो। अब जो है इसी तरह मुझे y डिस्प्ले करवाना है डबल कोट्स में सेमी कॉलन, ये इसको सी आउट को मैं ठीक कर रहा हूँ। और इसी तरह नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें जो है डबल कोट्स के बगैर y लिखा है तो ये y जो सेकंड स्टेटमेंट है ये y की वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहा हूँ। सिमिलरली लास्ट में हम जो है वो z के लिए जो रिजल्ट है वो मैंने जो है वो डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए जो है वो z डबल कोट्स में z इज इक्वल टू x प्लस y को भी एज इट इज में शो करवाना चाहता हूँ। तो ये ऐसे मैं लिख दूंगा डबल कोट्स के अंदर सेमी कॉलन के साथ एंड कर दूंगा और फाइनली जो है सिंपल मैं यहाँ पे विदाउट डबल कोट्स जो है जी लिख दूंगा तो ये जी में जो वैल्यू है जो भी
प्लस होने के बाद जी की वैल्यू है वो है 15, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी इस स्टेटमेंट के साथ। तो ये सेमी कॉलन के साथ एंड कर दिया। अब ये जो है प्रोग्राम, ये कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए शॉर्टकट की जो है वो F9 है। आप एग्जीक्यूट के मेन्यू में भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आपको कंपाइल एंड रन की ऑप्शन मिल जाएगी और ये कंपाइल भी हो जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो ये एग्जीक्यूट भी हो जाएगा और स्क्रीन पे आउटपुट भी डिस्प्ले कर देगा। इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, आउटपुट जो आई है ये X5Y10 Z=X+Y और इसका रिजल्ट 15 ये शो हो रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि x के बाद इक्वल साइन आए जिससे पता चल सके कि x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 10 है, तो आप जो है सी आउट स्टेटमेंट में जहां पे आप x और y आप डिस्प्ले करवा रहे हैं सी आउट स्टेटमेंट में, वहां पे इक्वल साइन भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करके आपको ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये सी आउट स्टेटमेंट है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर x लिखा हुआ है, इसके बाद इक्वल साइन डाल दें और इसी तरह y के बाद इक्वल साइन डाल दें। और अगर आप ये x प्लस वाई के बाद भी आप इक्वल साइन चाहते हैं तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर दें। इसको सेव करें और दोबारा कंपाइल एंड रन करें, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अब इसका रिजल्ट देखें कि x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू x प्लस वाई और फिर इक्वल साइन आ रहा है और उसके बाद z में जो टोटल वैल्यू है ऐड करने के बाद दो इंटीजर्स को वो डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरह आप जो है दो इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इंटीजर की जगह एक और जो डेटा टाइप है वो आप यूज कर सकते हैं, वो है शॉर्ट। शॉर्ट जो है और इंट, ये दोनों डेटा टाइप जो है ये इंटीजर टाइप वैल्यूज को जो है स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि इनकी जो कैपेसिटी होती है वैल्यूज स्टोर करने की वो ज्यादा होती है शॉर्ट की। और इसी तरह एक और शॉर्ट के बाद लॉन्ग डेटा टाइप होती है, उसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये मैं शॉर्ट के साथ इसको अब मैं कंपाइल एंड रन करके आपको दिखा रहा हूं और रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। और सिमिलरली एक और डेटा टाइप है दैट इज लॉन्ग, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ इनमें फर्क ये है कि आप जो x में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं या y में स्टोर कर रहे हैं और सिमिलरली z में जो वैल्यू स्टोर कर रहे हैं इन वेरिएबल्स में, इनकी जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम कैपेसिटी उनका डिफरेंस होता है। तो लॉन्ग में जो हायर वैल्यू है वो आप स्टोर कर सकते हैं। तो अभी चूंकि हमारे पास वैल्यूज ही शॉर्ट ही हैं तो इसलिए इंटीजर का यूज आप करें। अगर आपके पास जो है वो काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू है इनको स्टोर करने के लिए तो फिर आप लॉन्ग डेटा टाइप जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ विथ लॉन्ग डेटा टाइप, रिजल्ट विल बी सेम। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इंटीजर, लॉन्ग और शॉर्ट में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली अगर आपके पास x और y की वैल्यूज हैं वो पॉइंट्स के साथ हों, रियल वैल्यूज हों जिनमें पॉइंट आता है, जैसे कि आप यहाँ पे जो है वो डेटा टाइप, अब रियल वैल्यूज के लिए दो तरह की डेटा टाइप्स है, एक आप यूज करते हैं फ्लोट और दूसरा आप यूज करते हैं डबल। मैं फ्लोट के साथ जो है अगर x की वैल्यू में यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 12.25 कर रहा हूँ, y की वैल्यू जो है यहाँ पे मैं 25.57 कर रहा हूँ और अब इन दोनों का जो रिजल्ट है वो जो है वो z में स्टोर हो रहा है। लेकिन अब ये जो है ये पॉइंट्स के साथ वैल्यू है, इनको रियल वैल्यूज कहते हैं। अगर आपकी वैल्यूज इस तरह की हैं तो आप डेटा टाइप फ्लोट या डबल का यूज करेंगे। मैं इसको सेव करके कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अब इसका रिजल्ट देखें, अब ये देखें x की वैल्यू 12.25, y की वैल्यू जो है 25.57 और z में जो है वो इन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट जो आ रहा है वो 37.82 आ रहा है। फाइनली मैं फ्लोट की जगह डबल करके भी दिखा देता हूँ। ये डेटा टाइप आपने अपनी वेरिएबल्स की वैल्यूज के लिहाज से चूज करना होती है। आया कि आप देखते हैं कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज हैं तो आप फ्लोट यूज कर सकते हैं, अगर फ्लोट में भी आप जो है वो वैल्यूज हायर वैल्यूज हैं तो आप डबल का यूज कर लें, और अगर विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है आपकी तो फिर इंटीजर, शॉर्ट या आप लॉन्ग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। तो ये डबल के साथ सेव करके कंपाइल एंड रन कर रहा हूं मैं, ये सेम रिजल्ट अभी भी आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो इसको क्लोज करके मैं वापस अपने प्रोग्राम में आ गया हूं। एक और डेटा टाइप है कैरेक्टर डेटा टाइप उसको कहते हैं, उसमें जो है वो वैल्यूज जो है वो कैरेक्टर टाइप की स्टोर कर सकते हैं और
इसको मैं यहाँ पे जो है ऊपर करेक्टर डिक्लेयर कर रहा हूँ, करेक्टर ये डाटा टाइप होगी। अब वेरिएबल का नाम जो भी मैं रखना चाहता हूँ, जैसे मैं रख देता हूँ W, और इसमें जो है वो वैल्यूज मैं अगर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं वैल्यूज जो है वेरिएबल्स की इनिशियलाइज कर सकता हूँ एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे ये अभी मैं इसमें कर रहा हूँ। मैं ये करेक्टर अगर डेटा टाइप है तो ये सिंगल कोट के साथ यहाँ पे मैं वैल्यूज दूंगा, और वेरिएबल का नाम है W, और उसकी W की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मैं A उसको दे रहा हूँ। अब अगर मैं इसको भी साथ डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ एट द एंड, तो यहाँ पे लास्ट जो Z की वैल्यू डिस्प्ले करवाई है वहां पे मैं इसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करवा सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं प्रॉपर लिखता हूँ वैल्यू ऑफ W वेरिएबल और एट द एंड सेमी कॉलम, और यहाँ पे अब सी आउट जो है वो जस्ट W विदाउट डबल कोट्स करूंगा ताकि W के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको वो डिस्प्ले करे, और सेमी कॉलन एट द एंड लगाऊंगा। तो अब ये जो है ये वैल्यू W की भी जो है वो डिस्प्ले होगी ऑन स्क्रीन। इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो अब देखते हैं यहाँ पे ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? एरर इस वजह से आ रहा है कि यहाँ एट द एंड जब मैंने करेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो एट द एंड सेमी कॉलन जो है वो लगाया नहीं। अब इसको सेमी कॉलन लगाया है, सेव किए हैं और दोबारा कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ मैं, और इसकी वैल्यूज देखें अब ये जो है स्क्रीन पे ये डिस्प्ले हो गई है। पहले एक्स वाई और जी को डिस्प्ले करवाया हुआ है और एट द एंड जो है वो देखें कि वैल्यू ऑफ W लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ W वेरिएबल लिखा हुआ है, और साथ ही जो W में स्मॉल a स्टोर था उसको डिस्प्ले करवाया है। ये छोटा सा आपको शायद इसको मैं थोड़ा साइज में जूम करके दिखा रहा हूँ। अब देखें वैल्यू ऑफ W वेरिएबल a, तो अब इसी तरह जिस तरह मैं इक्वल साइन डाल के इसको थोड़ा सा बेहतर किया था, अब मैं इसको दोबारा कर सकता हूँ। एट द एंड वैल्यू ऑफ W वेरिएबल इज इक्वल यहाँ पे डाल रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ। अब इसकी स्क्रीन पे आउटपुट डिस्प्ले हो गई है जिसमें ये लास्ट में देखें वैल्यू ऑफ W वेरिएबल इज इक्वल टू a। तो इस तरह डिफरेंट डेटा टाइप जो है वो आप यूज कर सकते हैं। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट to give it a thumbs up, subscribe to our channel and hit the notification bell for more programming tutorial. Thanks for watching. I'll see you in the next videos. Take care. Bye-bye.